गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोगों का स्वतंत्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में। मैं गणेश कुमार सेन, मेरा आज का टॉपिक है आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक इन फर्स्ट एंगल। तो आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में किस प्रकार से बनाना है, ये आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट पे आते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, एलिवेशन है, राइट साइड में आपका साइड व्यू है और ऊपर में है प्लान। तो आपका क्या है साइड व्यू और प्लान और फ्रंट व्यू क्या है आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है। तो हम बता देते हैं आप लोगों की ऑर्थोग्राफिक में दो एंगल होती है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। जो कि थर्ड एंगल में क्या होता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन फर्स्ट एंगल में क्या होती है कि चेंजिंग होती है। मतलब फर्स्ट एंगल में क्या चेंजिंग होगी, जो व्यू आपको जिधर से दिखेगी वो व्यू उधर ना बन के जस्ट अपोजिट में बनेगी। मतलब अगर आपको एलिवेशन लेफ्ट में दिख रहा है तो वो क्या होगा राइट में बनेगा, और अगर राइट में साइड व्यू दिख रहा है तो आपको वो क्या होगा लेफ्ट में बनेगा। जो चीज आपको नीचे दिखेगा वो ऊपर बनेगा, मतलब साइड व्यू देखिए नीचे दिख रहा है आपको तो वो क्या होगा ऊपर बनेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होगा, सारा कुछ उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया हुआ है, एलिवेशन किधर है आपका लेफ्ट में है तो राइट में बनेगा, और साइड किधर है राइट में है तो लेफ्ट में बनेगा, नीचे है तो क्या होगा ऊपर बनेगा। तो इसके अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए सबसे पहले हम दो लाइन का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्योंकि वर्टिकल लाइन क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर रेखा खींचते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, लेफ्ट से राइट की ओर रेखा खींचते हैं बिल्कुल 90 डिग्री में। तो इस प्रकार से हम दो रेखा खींच लेते हैं, एचपी और वीपी, इसका नाम दे देते हैं। इसके बाद एक निश्चित गैप हम क्या करते हैं, 5-5 सेंटीमीटर का एक निश्चित गैप छोड़ते हैं, जो कि आपस में मेरा व्यू क्या होगा सट ना जाए, इसलिए हम उसके लिए गैप छोड़ते हैं। जो यहाँ पे हम अपने छोड़े हैं, देखिए यहाँ बीच वाला रेखा से 5 mm राइट में भी, 5 mm लेफ्ट में भी, यहाँ पर भी बीच वाला जो रेखा है उससे ऊपर 5 mm, नीचे 5 mm। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से ये बना सकते हैं। और इसके बाद यहाँ बनाने के बाद आपको क्या करना है, ऑर्थोग्राफिक बॉक्स बनाना है। तो ऑर्थोग्राफिक बॉक्स हम किस प्रकार से बनाएंगे, उसके लिए डायमेंशन का जरूरत होगा, जो कि आपका डायमेंशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको डायमेंशन निकालना होगा कि एलिवेशन का डायमेंशन कितना है। तो देखिए एलिवेशन का डायमेंशन यहाँ पर कितना है, 55 दिया हुआ है, यहाँ 15 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि एलिवेशन आपका जो है वो 70 है, 70 mm दिया हुआ है। तो आपका एलिवेशन बनेगा किधर ये देखना है। तो अभी तुरंत बताएं कि फर्स्ट एंगल में क्या होगा, सारा चीज उल्टा होगा। एलिवेशन आपका लेफ्ट में है तो बनेगा राइट में और ऊपर बनेगा, मतलब यहाँ पर आपका एलिवेशन बनेगा, यहाँ बनेगा एलिवेशन। फिर आते हैं हम लोग साइड व्यू पर, देखिए राइट पर है तो किधर बनेगा, लेफ्ट में बनेगा, नीचे है तो ऊपर बनेगा, मतलब यहाँ पर साइड व्यू बनेगा आपका। तो और इसके बाद एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि एलिवेशन के नीचे ही क्या होता है, टॉप व्यू बनता है, मतलब प्लान आपका यहाँ पर बनेगा। तो तीनों जो व्यू है हम क्या किए, तीनों व्यू का एक जगह निर्धारित कर दिए कि साइड व्यू मेरा यहाँ पर बनेगा, एलिवेशन यहाँ पर बनेगा, प्लान यहाँ पर बनेगा। इस प्रकार से हम जगह निर्धारित कर दिए। अब जगह निर्धारित करने के बाद क्या करना है हमको, इसमें ऑर्थोग्राफिक बॉक्स का निर्माण करना है। तो ऑर्थोग्राफिक बॉक्स कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमको देखना होगा कि एलिवेशन का डायमेंशन कितना है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं एलिवेशन का डायमेंशन कितना है, 70 दिया हुआ है, 70 mm दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे से स्क्वायर पर रखेंगे इस पॉइंट पर, और यहाँ से 70 mm जहाँ पर होगा वहाँ पे खींच देंगे, हम एक पॉइंट लगा देंगे इस तरह से। पॉइंट लगाने के बाद इसको हम माप लीजिए क्या हो गया, 70 mm हो गया। अब आते हैं हम लोग साइड व्यू पर। तो देखिए साइड व्यू का डायमेंशन कितना दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ 35 और 15 कितना हो गया, 35 और 15 हो गया आपका जाके 50 mm। तो साइड हो गया कितना, 50 mm साइड व्यू, 50 mm। और ऊंचाई जो दिया हुआ है देखिए 40 है और यहाँ 20 है, मतलब ऊंचाई हो जाएगा आपका 60 mm। तो इस प्रकार से दिया हुआ है। तो साइड का डायमेंशन कितना है, 50 mm। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको 50 mm खींचेंगे, जहां पर होगा एक पॉइंट लगा देंगे इस तरह से। अब पॉइंट लगाने के बाद इसको क्या करेंगे, बिल्कुल 90 डिग्री में हम लोग वर्टिकल लाइन खींच देंगे, बिल्कुल ही थीन लाइन होना चाहिए और 90 डिग्री में इस तरह से, ये देखिए। फिर इधर भी आपको क्या करना है, ये जो बनाए थे हम इसको भी 90 डिग्री में वर्टिकल लाइन खींच देना है। अब खींचने के बाद आपको ऊंचाई ज्ञात करना है, हाइट देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 60 mm, 60 mm दिया हुआ है। यहां से हम क्या करेंगे, 60 mm मापेंगे, जहां पर होगा एक पॉइंट लगा देंगे इस तरह से। अब पॉइंट लगाने के बाद इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन
इस तरह से खींच देंगे, बिल्कुल थीन लाइन में डार्क नहीं करना है आपको, इस तरह से, ये देखिए। फिर नीचे जो है आपका, नीचे क्या है, प्लान व्यू है, प्लान है तो प्लान का ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। प्लान का ऊंचाई तो हम पहले भी आप लोग को वीडियो में बता चुके हैं कि प्लान का जो ऊंचाई होगा वो साइड का जितना डायमेंशन होता है उतना ही प्लान का ऊंचाई होगा। तो देखिए साइड का डायमेंशन आपका कितना दिया है, 50 mm दिया हुआ है, इसका ऊंचाई भी क्या होगा, 50 mm ही होगा। ये जो पॉइंट लगाएंगे हम, पॉइंट को क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे इस तरह से। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑर्थोग्राफिक बॉक्स बन जाएगा। ऑर्थोग्राफिक बॉक्स बनाने के बाद अब हमको क्या करना होगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना होगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को, सबसे पहले आते हैं हम लोग फ्रंट व्यू पे, एलिवेशन पे आते हैं। तो देखिए एलिवेशन पे देखने के बाद आपको क्या क्या दिखेगा, सबसे पहला तो आपको ये एल आकार का जो है वो दिखेगा, पहला ये दिखेगा। दूसरा देखिए यहाँ पर ये जो है पॉइंट, ये स्क्वायर जो बना हुआ है 15 का स्क्वायर, तो सॉरी नहीं है, ये जो बना हुआ है 20 mm ऊंचाई है, लेकिन चौड़ाई इसका कितना है, 15 mm दिया हुआ है। तो ये वाला भाग आपको क्लियरली नजर आएगा, और यहाँ जो टेपर वाला भाग है वो टेपर वाला भाग आपको क्लियरली नजर आएगा। तो सबसे पहले हम इस भाग को बनाएंगे, इस भाग का डायमेंशन देखिए कितना दिया है, यहाँ से यहाँ 55 दिया है और ऊंचाई कितना दिया है, 45 दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ 55 mm मापेंगे, जहां पर 55 mm होगा वहां पॉइंट लगा देंगे, उसको डार्क कर देंगे, क्योंकि हमको वो रेखा क्लियरली नजर आ रहा है तो उसको हम डार्क कर देंगे ऐसे। ये देखिए ये डार्क हो गया। फिर इसको ऊंचाई देखिए कितना ले गया है, 45 mm। तो ये टोटल कितना है, यहाँ से 60 है, हम क्या करेंगे इसको 45 mm डार्क कर देंगे, पहले बिल्कुल ही डार्क कर देना है इस तरह से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो देखिए आप यहां से ऊपर ले जा सकते हैं या तो यहां से राइट ले जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से ऊपर लेके जाएंगे, कितना है, ये कितना है, 20 है। देखिए यहां पे दिया हुआ 20, तो इसके अनुसार ये रेखा बना हुआ है, और इसके अनुसार ये रेखा बना हुआ है, और इसके अनुसार ये रेखा बना हुआ है। तो कितना ले जाएंगे, 20 mm लेके जाएंगे, इसको 20 mm खड़ा कर देना है ऐसे। ये देखिए 20 mm खड़ा कर दिए हम। अब आपको क्या करना है, ये देखिए यहां तक आ गए, यहां से आपको लेफ्ट जाना है कितना, तो यहां पे डायमेंशन आपका नहीं दिया हुआ है, तो ये टोटल है 55। 55 में देखिए यहां 30 माइनस हो गया, कितना बचा आपका, तो कितना बच जाएगा आपका, 30 माइनस हो जाएगा तो 25 बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25, 25 हो जाएगा। तो मतलब लेफ्ट की ओर कितना आना है आपको, 25 आना है इस तरह से, 25 इस तरह से, ठीक है। अब फिर देखिए ये ऊपर लेके गया कितना, 25 mm ऊपर लेके चल जाएगा, बिल्कुल 90 degree में होना चाहिए, क्योंकि ऑर्थोग्राफी बिल्कुल 90 degree में ही बनता है। और इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ये वाला भाग आपका यहाँ पर कंप्लीटली बन जाएगा। अब ये वाला भाग जो बन गया, तो अब इसको बनाना है आपको, तो ये कैसे बनेगा, देखिए वहां पर जगह आपका खाली हुआ है, यहाँ पे खाली हुआ है, बस इसको क्या करना है आपको, यहां से यहां मिला देना है। ये देखिए ये वाला भाग, ये बॉक्स आपका बन गया, इसको डार्क कर दीजिए आप, बिल्कुल इसको डार्क कर दीजिए इस तरह से। देखिए ये वाला भाग आपका वहां पर बन गया। रहा बात अब इसका कैसे बनाएंगे इसको, तो यहां पे ये देखिए जो बचा हुआ भाग है इसको डार्क कीजिए पहले, और यहां से जो है ये वाला भाग को ऐसे डार्क कर दीजिए, ये आपका टेपर वाला भाग आपका यहां पर जो है वो बन गया, ठीक है। तो ये डायमेंशन कितना हो जाएगा, ये आपका 55 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 50, ये हाइट हो जाएगा आपका 20, और ये हो जाएगा 45, और ऊपर में कितना बचेगा, 50। तो देखिए इस प्रकार से आपका फ्रंट व्यू वहां पर बन गया। अब आते हैं हम लोग साइड व्यू पर, देखिए गौर कीजिएगा, साइड व्यू को देखने के बाद आपको ये दिखेगा, ये दिखेगा, और ये वाला भाग दिखेगा। ये दोनों भाग हम सबसे पहले बनाते हैं, इसका ऊंचाई कितना है, 20 mm दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 20 mm जो है यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम सीधा करके डार्क कर देंगे पहले, ये डार्क कर देंगे पूरा मिला देंगे। मिलाने के बाद ये 35 है, मतलब यहां से 35 आपको लेना है, जहां पर होगा वहां तक डार्क करना है, ये बिल्कुल पूरा में ही डार्क होगा, लेकिन पहले 35 को बनाना है इस तरह से 90 degree खींच के। ये देखिए
ये आपका 35 हो गया, इसको डार्क कर दीजिए आप, ये डार्क हो गया, ये 15 है, बिल्कुल डार्क कीजिए इसको, ठीक है। तो ये दोनों भाग आपका यहां पर क्या है, साइड व्यू का बन गया। आप इसको बनाना है, ये यहां से कितना 40 है, ये टोटल कितना था 60 था, 60 में हम 20 ले लिए, तो कितना बचा मेरा 40 बचा। राइट साइड में है तो यहां पे खींच देंगे हम इसको, डार्क कर देंगे पहले, ये देखिए डार्क कर दिए। डार्क करने के बाद ये लेफ्ट की ओर गया, कितना 30 mm 30 mm गया, मतलब ये जो है 5 mm छोड़ के यहां तक आपको जाएगा, ये वाला भाग यहां तक जाएगा, ये 30 mm मापना है आपको, ये जो गया है 30 mm, यहां से यहां हम 30 mm खींच देंगे, देखिए आगे क्या है, टेपर है, और टेपर का डायमेंशन आपको ज्ञात नहीं होगा, टेपर का डायमेंशन भी आपको नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, यहां जो आपका पॉइंट है यहां से हम ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला भाग बना रहे हैं ना, यहां से ऊपर चढ़ेंगे, कितना दिया हुआ है डायमेंशन 25 दिया हुआ है, टोटल यहां से 40 बचा हुआ है, हमको 25 लेना है, मान लेते हैं ये 25 हो गया, इसको हम डार्क कर देंगे क्योंकि 25 वहां डार्क किया हुआ है, डार्क कर दिया और इसको इस तरह से फ्री हैंड मिला देंगे क्योंकि वो टेपर में दिया हुआ है ऐसे, और ये जो लाइन होगा उसको मिटा देंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 30, इस तरह से देखिए, इस तरह से आपका साइड व्यू यहां पर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग प्लान पर, टॉप व्यू पर, टॉप व्यू कैसे बनेगा, बिल्कुल एलिवेशन के अनुसार से बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलिवेशन का जितना भी पॉइंट है, ठीक है, अब एलिवेशन का जितना भी पॉइंट है उसको बिल्कुल 90 डिग्री में नीचे गिरा दीजिए, बिल्कुल थिन लाइन में डार्क नहीं करना है आपको, इस तरह से गिरा दीजिए। अब गिराने के बाद अब साइड से भी क्या कर सकते हैं, इस पे लेके जा सकते हैं, लेकिन इसको हम बनाएंगे पहले। तो ये देखिए ऊपर से लेकर 30 आया है, 30 mm करके आया है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको 30 mm लेंगे, ये यहां से 30 mm जहां पर होगा, मान लेते यहां पर हुआ, तो इसको 30 mm डार्क कर दिए, पहले हम डार्क कर देंगे इसको, ठीक है, तो इसको डार्क कर देंगे 30 mm, ये डार्क हो जाएगा, ये जो टेपर का भाग है जो नीचे बचेगा वो टेपर का भाग हो जाएगा, ये डार्क हो जाएगा ऐसे, ये देखिए ऐसे डार्क हो गया। अब जो नीचे जो भाग बचा वो क्या है, ये टेपर वाला भाग आपका वहां पर बन जाएगा, तो टेपर वाला भाग को भी आपको डार्क कर देना है क्योंकि क्लियर नजर आ रहा है, इसको भी डार्क कर देना है, ये देखिए डार्क कर देना है, ये देखिए ये दोनों भाग आपका वहां पर बन गया इस तरह, क्योंकि एलिवेशन है आपका इस तरह से बना हुआ है, तो एलिवेशन के सीध में ही आपको बनेगा। फिर आते हैं हम लोग ये वाला भाग पर, ये भाग को कैसे बनाएंगे, यहां से यहां कितना दिया हुआ है तो आपको नहीं पता है, टोटल कितना है 70 mm दिया हुआ है, टोटल 70 में 30 mm गया, कितना बचा यहाँ 40 बचा, तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 30 mm आपका ये दिया हुआ है, ये 30 mm है और 30 mm टोटल कितना है 70 है, 70 में 30 mm यहाँ हम ले लिए, टोटल कितना बचा यहाँ 40 बचा मेरा, ये भी भाग क्या है मेरा 40 mm का दिया हुआ है, उसको हम डार्क कर देंगे पहले, ये देखिए डार्क हो गया। अब इसको आप नीचे की ओर लेके जा सकते हैं या इसको भी नीचे की ओर ले जा सकते हैं, देखिए इसको अगर आपको लेके जाना है तो यहाँ पे आपका नीचे डार्क किया हुआ है, ये आपका लेके गया हुआ है, तो इसको क्या करना है फिर राइट में लेके जाना है 25 mm, मतलब यहां से आपको 25 mm लेके जाना है, जो कि मेरा पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है, हम पहले से ही रेखा खींचे थे इसलिए ये पॉइंट बना हुआ है, देखिए यहाँ 25 mm ये डार्क कर दिए। अब ये देखिए ऊपर लेके गया कितना, तो 15 mm ऊपर लेके गया है, इसको 15 mm हम ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से। फिर ये देखिए राइट की ओर लेके गया कितना, तो 15 mm, ये जो भाग है ठीक है। फिर ये देखिए ऊपर की ओर कितना, जितना बचा आपको उतना लेके जाना है, वहां डार्क कर देना है,
एक्स्ट्रा लाइन को क्या करना है, मिटा देना है। ये 25 हो गया, ये 30 हो गया, 30 और ये हो गया 15। तो 25 और 30 कितना हो गया आपका, 55 हो गया और 15 70 हो गया। इस प्रकार से हम 70 mm यहां पूरा देते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको क्या करेंगे हम, सहायक रेखा खींच देंगे इसे, बिल्कुल ये हो जाएगा आपका प्लान, ये हो जाएगा आपका, इसको एक्स्ट्रा लाइन को मिटा देंगे, ये हो जाएगा एलिवेशन और ये हो जाएगा आपका साइड व्यू। तीनों व्यू क्या है आसानी से आपका यहां पर बन गया, तो बिल्कुल इजी है बनाने में। इसके बाद आप क्या करते हैं, आप डायमेंशन लाइन का प्रयोग करते हैं और डायमेंशन को दर्शाते हैं। जो एक्स्ट्रा लाइन है, जैसे ये सब है एक्स्ट्रा लाइन, इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं। इस तरह से हम एक्स्ट्रा लाइन को मिटा देंगे, जैसे कि सिर्फ हमको व्यू नजर आए, जो मेरा व्यू परफेक्ट बना हुआ है वो व्यू हमको नजर आए। तो देखिए आसान है आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक बनाना, वो भी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एग्जामिनेशन में बहुत आता है ये क्वेश्चन। तो आप क्या कर सकते हैं इसको घर में आसान से बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।